रायबरेली में जेठ माह के पहले मंगलवार को जिले के सभी दक्षिण मुखी चंद्रपुर कोठी हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लगी लंबी लंबी लाइनें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में मंगलवार के दिन किसिंधा पर्वत पर हनुमान जी की भगवान श्री राम से मुलाकात हुई थी और भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए भक्त के रूप में स्वीकार किया। तभी से जेठ माह के मंगलवार को हनुमान जी के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को अगर कोई भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ हनुमान जी का विधिवत पूजन करता है तो हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसी आस्था और विश्वास के साथ आज बड़ी दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही मंदिर के बाहर सुंदरकांड हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ शुरू हो गया। सर क्या नाम है आपका? भीम शंकर द्विवेदी। सर बड़ा मंगल है, क्या तैयारियां चल रही हैं? बड़े मंगल में आज प्रथम मंगलवार है जिस मास का। आज प्रभु का पुष्पों द्वारा श्रृंगार एवं सिंदूर द्वारा हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कराया गया एवं शाम को सुंदरकांड का पाठ एवं पूरी प्रसाद, सब्जी प्रसाद और हलवा प्रसाद का भोग लगेगा जो सायं 6 बजे से देर रात तक चलता रहेगा और प्रसाद वितरित किया जाएगा। वितरित रहने वाले हमारे भक्त हैं श्री ललित चांडक प्रभु टाउन प्राइवेट के द्वारा। सर ये बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है और क्या है विशेषताएं? बड़े मंगल का हम लोग जो है भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था जो उस कारण हम लोग जो है जेठ मास के मंगलवार को मनाते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि किस मंगलवार को प्रभु से मिलन हुआ था लेकिन इसी कारण हम लोग जेठ मास के जो भी मंगल पढ़ते हैं उनमें प्रभु का मिलन के कारण हम लोग मनाते हैं। तरह तरह के आयोजन किया करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।